आप सभी ने इस निशान को काफ़ी बार अलग अलग जगहों पर देखा होगा, जैसे लोगों की टी शर्ट पर, उनकी गाड़ियों पर, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल या पेजेस पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह निशान है क्या, कहाँ से आया यह निशान और क्या हमें इस निशान को लगाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिट्स लाइफ में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो विद प्रूफ दूंगी। दरअसल यह निशान कुषाण वंश के राजा सम्राट कनिष्क का मोनोग्राम या तमगा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह निशान सम्राट कनिष्क का है या नहीं, विवाद सम्राट कनिष्क की पहचान या कहिए उनकी आइडेंटिटी का है कि आखिर कनिष्क कौन थे। अगर आप गूगल पर कनिष्क सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया पर कनिष्क को यूची जाति का बताया गया है, जो कि एक प्राचीन चाइनीज कबीला था। जैसा कि आप जानते हैं कि विकिपीडिया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी एडिट कर सकता है, इसीलिए इस वेबसाइट पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। और सर्च करने पर मुझे encyclopedia.com पर साउथ एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत कनिष्क की बायोग्राफी मिली, जिसमें लिखा है कि कनिष्क के व्यक्तिगत जीवन की तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो कुषाण वंश के चौथे राजा थे। कुषाण वंश के पहले शासक का नाम कुजुला कादिफीसस था, जिसने 5 यूची कबीलों को मिलाकर इसे बनाया था। अब अगर आप US स्टेट डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि कुषाण शब्द चाइनीज शब्द ग्यू शेंग से निकला है, जो यूची जाति की एक शाखा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दैनिक भास्कर में छपे एक लेख के अनुसार डॉक्टर खुर्शीद भाटी ने बताया है कि कनिष्क की जाति गुजर होने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुषाण और कसाना अलग अलग हैं। कसाना गुजर है जबकि कुषाण गुजर नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद कसाना हूँ और मैं इस बात को नहीं मानती कि कुषाण और कसाना में कोई संबंध है। स्टडी IQ एजुकेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक UPSC, SSC, बैंक, डिफेंस आदि की तैयारी करवाते हैं, जिनके यूट्यूब पर 90 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनके इस वीडियो लेक्चर को सुनिए कि वो कनिष्क के बारे में क्या बता रहे हैं। किंग कनिष्क वन की बात करेंगे और आपको पता है चाइना से आए थे। कुषाण एम्पायर जो था वो चाइना से आया था। अब मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाती हूँ, जिसको लिखा है अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर जी ने। उन्होंने इसमें कहा है कि वैदिक संस्कृति के चिन्हों को विकृत कर, तोड़ मरोड़ कर गुजर जैसे योद्धा समाज समुदाय को भ्रमित किया जा रहा है। इस तमगे का कोई सार्थक अर्थ है ही नहीं, न ही भाषा विज्ञानी लिपि शास्त्री इसका कोई सार्थक अर्थ निकाल सके हैं। यह एक ऊल जलूल चिन्ह है। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप भी इसे पूरा पढ़ सकें। अब मैं आपको गौरव जी का एक वीडियो इंटरव्यू दिखाती हूँ, जिसमें वो किताबों का रेफरेंस देकर प्रूफ के साथ यह बात सिद्ध कर रहे हैं कि कनिष्क और कुषाण भारत के नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया व चाइना के लोग थे। क्लास 6 की बुक है, अवेयरनेस ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, हाँ, ये बुक लिखी हुई है सुमन गुप्ता जी ने, जो MA BEd, ठीक है, एस चांद स्कूल बुक्स की पब्लिकेशन के अंडर छपी है बुक। अब इस बुक में क्या लिखा आप खुद सुनिए भाई। द इंडो ग्रीक्स, द शकास, द पार्थियंस एंड द कुशांस वर द फॉरन इन्वेडर्स। इट मीन्स कुषाण वो थे जो फॉरन से आए थे और भारत पे हमला करा था। ओके, क्या गुजर भारत पे हमला कर सकता है? तो जनरल नॉलेज की बुक दिखाता हूँ मैं आपको, क्लास 7th की, ये भी आपकी SK गुप्ता जी ने लिखी हुई है और एस चांद पब्लिकेशन, ये सब CBSE की बुक्स हैं। इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मैनी फॉरन इन्वेडर्स लाइक द ग्रीक्स, शकास एंड द कुशांस इन्वेडेड इंडिया। द बुक का नाम है इंडियाज रोड टू द नेशनहुड। अब इस बुक में क्या लिखा है, द नेक्स्ट 3 वेव्स ऑफ इन्वेडर्स, द शकास, पार्थियंस एंड द कुशांस। कुशांस हु वर फ्रॉम यूची ट्राइब्स वर द रोबस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स हु लिव्ड नोमैड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड हॉर्सबैक। ये मतलब वो उनके बारे में बता रहे हैं कि जिन्होंने भारत पे आक्रमण करा। फिर से वही चीज आ रही है सब बुक्स में, एक चीज कॉमन देखो सब में लिखा होगा कि फॉरन इन्वेडर्स।
दीज देवर पार्टली चाइनीज एंड पार्टली मंगोल्स. इस बुक में क्या लिखा है, दीज ट्राइब्स वर पार्टली चाइनीज एंड पार्टली मंगोल्स, नो वेयर मैंशनड गुजर. तो अगली बुक है ये जैपनीज बुद्धिज्म, उन्होंने क्या लिखा हुआ है इस बुक के अंडर, इन द नॉर्थ द रिजल्ट वॉज मच द सेम विद द डिफरेंस इन द प्रोसेस दैट मैनी ऑफ द वार लाइक ट्राइब्स हु इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया नोटेबली द कुशांस. इसमें क्लियरली मैंशन है कि वार लाइक ट्राइब्स हु इन्वेडेड इंडिया. आप देखिए ये सब बुद्धिज्म वाली बुक्स बता रहा हूँ, पहले आपको मैंने एजुकेशन की बताई, द पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिज्म, इट्स प्लेस वॉज टेकन बाय न्यू फॉरन इन्वेडर्स विच लाइक इट्स प्रेडिसेसर वॉज ईजली वॉन ओवर द यंग मिशनरीज रिलीजन ऑफ द ब्लेस्ड वन, दीज इन्वेडर्स वर द कुशांस. कुशांस वर अगेन डिक्लेयर, ये कुशान इज अगेन डिक्लेयर एज अ इन्वेडर इन दिस बुक, अ सब डिवीजन ऑफ यूची नोमैड्स. ये तो मतलब 10% बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 5-10%, 90% बुक्स तो और भी हैं जिन्होंने जो हमारे पास हैं. तो इन सब बुक्स में कहीं भी गुजर का जी भी नहीं मिल रहा. मैंने गौरव जी से संपर्क किया और उन्होंने ही मुझे इन सभी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी सेंड की जो आप सभी ने अपनी स्क्रीन पर देखी. इस विषय पर और अधिक स्पष्टता के लिए मैंने गौरव जी से बातचीत की, तो आप भी सुनिए उनके इस बारे में क्या विचार हैं. नमस्कार गौरव तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर. थैंक यू वेरी मच, नमस्ते. आप हैं अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री. गौरव जी मेरा आपसे सवाल है, ये जो निशान है हुलुचुलो का चाइनीज निशान, आपके इसके बारे में क्या विचार है, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिए इसके विषय में. देखो इस निशान को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुजरों का निशान है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुजर क्या है, भारत का ही इससे कोई लिंक नहीं है, इंडिया का ही, हमारी संस्कृति का कोई लिंक नहीं है. एक चाइनीज सिंबल है जिसको आप कुछ लोग तथाकथित इतिहासकार जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि कनिंगम ने इस निशान को गुजरों का निशान बताया है और ये राजा कनिष्क का निशान है. बल्कि मैं बोलूँगा कनिंगम की जो रिपोर्ट है पेज नंबर 69 पर पढ़ना, उसने खुद इसको चाइनीज सिंबल बोला. और दूसरी बात, कनिंगम अपनी बुक में कंफ्यूज है, उसने कहीं इनको राजपूत लिखा है, कहीं जाट लिखा है, कहीं कोई अलग अलग तरीके से. तो अगर जो चीज़ वो खुद ही कंफ्यूज है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं गुजरों से. तो हमने कोई बेड़ा थोड़ी लिया कि हर चीज़ को हम अपना लें, जो चीज़ हमारी अपनी है हमें उसी को अपनाना चाहिए. तो मैं यही बोलूँगा कि ये हमारा चिन्ह नहीं है, गुजर प्रतिहारों का हमारा अपना खुद का चिन्ह है. सम्राट मिहिर भोज का जो चिन्ह है आपने वो देखा भी होगा सोशल मीडिया पर भी, वो गुजरों का चिन्ह माना जाता है और वही काफ़ी जगह चलता है. ये कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इस चीज़ को चला रहे हैं. हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद गौरव. बहुत बहुत ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. मैंने आपके सामने बहुत से प्रूफ्स रखे, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप इन्हें पढ़िए और खुद विचार कीजिए क्या सही है और क्या गलत. तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, लेकर आती रहूँगी मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियोज़. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सभी को मेरा राम राम.